Good morning students and welcome back in your maths online class. Students, in the previous class we have discussed questions of exercise 3.5 question 2 to question 6. Now today we will practice the questions of exercise 3.5 question 7 to 12. Question 7 is, the product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some examples. The product of 3 consecutive numbers. Product means multiply and consecutive means continue numbers. Continue means 1, 2, 3, 4 or 11, 12, 13 or 35, 36, 37 like this. So, 3 consecutive means 3 continuous number ka product jo hai wo divisible by 6 hota hai. Is स्टेटमेंट को हमें विद एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर आउट करना है. ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज कंसेक्यूटिव मीन्स कंटिन्यू नंबर्स होने चाहिए. तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2, 3 एंड 4 आर कंटिन्यू मीन्स कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड द प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, 3 एंड 4 इज 24 एंड 24 इज डिविजिबल बाय 6. 6 4 इज 24. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6. 4, 5 एंड 6 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 5 एंड 6 इज 120 एंड 120 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. The sum of 2 consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some example. The sum of 2 consecutive odd numbers. First of all, odd numbers kya hote hain? Odd numbers are 1, 3, 5, 7, 9 and so on. These are the odd numbers. Consecutive odd numbers means jo continue ho. Jaise 1 ke baad mein 3, 5, 7, 9 इस तरीके से. ऐसा नहीं कि 1 के बाद में डायरेक्ट 5 आ जाए. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 दीज आर दी कंटिन्यू नंबर्स. कंटिन्यू ऑड नंबर्स. कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आपको क्या करना है? द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मीन्स 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम लेना है. ये देखिए, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 3 एंड सेकेंड इज 5. 3 और 5 के बीच में कोई और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर नहीं आता है, इवन होता है 4. कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करोगे आंसर आएगा 8. 8 इज डिविजिबल बाय 4, यू नो. नेक्स्ट आप ले सकते हैं 7 एंड 9. 7 एंड 9 आर ऑल्सो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स एंड द एडिशन ऑफ 7 एंड 9 इज 16. 16 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. 4 4 इज 16. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें जो मल्टीप्लाई किया गया है वो सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स हो, कोई भी कंपोजिट नंबर उसमें ना हो. जैसे 24 में देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4. 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, बट 4 इज़ अ कंसेक्यूटिव नंबर. सो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है. नेक्स्ट 56. 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. 7 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 2 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, सो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है. नेक्स्ट 70. 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. ये जो तीनों नंबर हैं 2, 5 एंड 7, ये तीनों भी प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है. लास्ट में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9. 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, बट 9 इज़ अ कंसेक्यूटिव नंबर, सो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है. नाउ स्टूडेंट्स, जो 10 और 11 क्वेश्चन है ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हैं. इसमें हिंट भी दी हुई है जिसका आप यूज़ करके इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं. सो हेयर आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 12. आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, 4 डिफरेंट इसके प्राइम फैक्टर्स हैं और ये स्मॉलेस्ट नंबर है. 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स और स्मॉलेस्ट नंबर, दो चीज़ें हमारे पास इस क्वेश्चन में हैं. 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं. सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? वन इज़ नैदर प्राइम नंबर एंड नॉर कॉन्सिक्यूटिव. सो 2
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, टू के बाद में थ्री इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देन फाइव एंड देन सेवन. दीज फोर आर द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स. नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स. इफ यू मल्टीप्लाई टू थ्री फाइव एंड सेवन यू विल गेट 210. सो दिस इज आर नंबर, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड इट इज हैविंग फोर डिफरेंट प्राइम नंबर्स. सो स्टूडेंट्स 3.5 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6. इन एक्सरसाइज 3.6 वी विल लर्न हाउ टू टेक HCF ऑफ द नंबर्स. HCF कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल HCF होता क्या है? HCF का मतलब होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. हाइएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर आप इसको कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. हाइएस्ट की जगह ग्रेटेस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं. ओके, द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द हाइएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स. यानी हम जब इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं तो हमें हाइएस्ट फैक्टर्स मिलते हैं उस पर्टिकुलर नंबर के. स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग. ए इज 18.48. HCF ऑफ 18. इन HCF वी विल स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर एक्सेप्ट वन. वन की जगह जो दूसरा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है वो है टू. तो हम यहाँ से टू से स्टार्ट करते हैं एंड 18 जो है वो टू से डिविजिबल भी है. टू नाइन ज़ा 18. आफ्टर दैट 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. सो वी विल टेक द टेबल ऑफ 3. 3 इज़ अ 9 एंड 3 इज अ प्राइम नंबर. इट इज़ डिविजिबल बाय 3 ओनली. नेक्स्ट 48. 48 इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज द लास्ट डिजिट इज 8. सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2. वी आर टेकिंग द टेबल ऑफ 2. डिवाइड बाय 2. 48 डिवाइड बाय 2. 2 टू ज़ा 4. 2 4 ज़ा 8. अगेन 24 इज डिविजिबल बाय 2. 2 वन ज़ा 2. 2 टू ज़ा 4. नेक्स्ट 12 इज डिविजिबल बाय 2. 2 6 ज़ा 12. 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. 2 3 ज़ा 6 एंड लास्टली 3 वन ज़ा 3. नाउ स्टूडेंट्स टू फाइंड HCF. अब HCF मेन कैसे फाइंड आउट करते हैं? 18 एंड 48 नंबर्स के हमने अभी ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया है इसका HCF निकाला है. तो 2 × 3 × 3 ये 18 के लिए है. 2 × 3 × 3 इज इक्वल्स टू 18. और यहाँ आप देखें 2 × 2 × 2 × 3 इक्वल्स टू 48. 2 × 2 × 2 × 3. तो एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस कर ली होगी कि यहाँ पे जो कॉमन नंबर्स हैं वो हैं, एक तो ये 2 है और लास्ट में ये जो 3 है ये यहाँ पर कॉमन है. इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है. फर्स्ट ये 2 कॉमन है और लास्ट में ये 3 कॉमन है. बाकी ऊपर में सिर्फ 3 है यहाँ पर और नीचे किसी में भी 3 नहीं है. तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है. तो कॉमन फैक्टर्स हो गए 2 × 3. सो द HCF इज 6. गॉट इट. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका. 18 एंड 60 ये सी पार्ट है. 18, 60. सो द HCF ऑफ 18 एंड 60. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द HCF ऑफ 18. 2 9 ज़ा 18. 3 3 ज़ा 9. 3 1 ज़ा 3. नेक्स्ट 60 बाय टेबल ऑफ 2. 2 3 ज़ा 6. 0 एट इज़ 15. यहाँ पे आ जाएगा जब हम 2 का डिवाइड करेंगे 30 में. देन 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5. नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 18 और 60 को अलाइन करेंगे. इनके जो भी फैक्टर्स आए हैं 2 × 3 × 3 एंड 2 × 2 × 3 × 5. नाउ स्टूडेंट्स यू कैन इजीली सी इन द प्राइम फैक्टराइजेशन दिस 2 एंड दिस 3
इज कॉमन. सिर्फ ये टू और ये थ्री ही कॉमन है, इसके अलावा ना तो फाइव है. 18 के टेबल में फाइव नहीं है और यहाँ पे जो नीचे टू है 60 के लिए, वहाँ ऊपर कहीं टू नहीं है. मीन्स कॉमन अब कुछ नहीं है एक्सेप्ट टू एंड थ्री. सो द एलसीएम इज टू मल्टीप्लाई बाय थ्री इज इक्वल्स टू सिक्स. सेम इसी तरीके से एक और हम देखते हैं 34 को जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब क्या आंसर आएगा. 2 के टेबल से 34 डिवाइड हो जाता है. 2 ones are 2, 2 sevens are 14. अब 17 इज़ अ प्राइम नंबर सो इट इज़ ओनली डिविजिबल बाय 17. नेक्स्ट इज 102. 2 fives are 10, 2 ones are 2. देन 3 3 ones are 3, 3 sevens are 21 एंड 17. सो 34 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 2 एंड 17 एंड 102 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 2 multiply 3 multiply 17. सो स्टूडेंट्स अब हम कॉमन नंबर्स यहाँ देख लेते हैं. ये देखिए ये 2 और लास्ट में जो ये 17 है, ये इन दोनों में कॉमन है. सो द HCF विल बी 34. गॉट इट स्टूडेंट्स. तो इस तरीके से हम HCF निकालते हैं. अब ये तो टू नंबर्स के ही HCF थे. अगर थ्री नंबर्स हो, जैसे ऑप्शन आपका है H 91, 112 एंड 49, इनका अगर हमें HCF फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे. 91 बाय टेबल ऑफ टू तो ये डिवाइड हो नहीं सकता और बाय टेबल ऑफ थ्री भी इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. तो 91 को कैसे डिवाइड किया जाएगा. 91 किस टेबल से डिवाइड हो सकता है. 91 को डिवाइड करने के लिए आप 7 की टेबल ले लीजिए. 7 ones are 7 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2. 7 threes are 21. आफ्टर दैट 13 इज अ प्राइम नंबर सो सिर्फ 13 से डिवाइड होगा. नेक्स्ट 112 112. वी विल डिवाइड 112 बाय 2. सो वी विल स्टार्ट आर फैक्टराइजेशन विद द नंबर 2. 2 fives are 10, 2 sixes are 12. अगेन वी कैन डिवाइड बाय 2. 2 twos are 4, 2 eights are 16. Next 2 ones are 2, 2 fours are 8. After that 2 sevens are 14 and 7 ones are 7. 49. You all know students, 7 sevens are 49 and 7 ones are 7. 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 7 multiply 13. 112 का फैक्टराइजेशन है 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply by 7. और 49 का जो है वो है 7 multiply 7. अब यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देखिए, ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं इसमें तीनों के अंदर कौन सा नंबर कॉमन है. जैसे अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा पीछे लिखती हूँ, ये जो 7 multiply by 13 है, इसको 7 multiply by 13 मैंने यहाँ लिखा और ये इसको भी पीछे शिफ्ट कर दिया 7 multiply by 7. तो आप देख रहे हैं ओनली 7 इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम. सभी नंबर्स के अंदर सिर्फ 7 नंबर है जो तीनों में कॉमन है, बाकी 2, 13 ये कॉमन नहीं है. सो इस नंबर का जो आपका HCF होगा वो होगा ओनली 7. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स. यानी हम कोई भी नंबर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द HCF ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जो कंटिन्यू हो. तो नंबर्स में कंटिन्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं. 3 एंड 4 का HCF अगर हम फाइंड आउट करें तो फैक्टराइजेशन किया 3 का, 3 ones are 3 एंड 4 का किया तो 2 twos are 4 एंड 2 ones are 2. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए, यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है. जो HCF है 3 का, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 है और नेक्स्ट में 2 and 2 है. तो नंबर कोई भी कॉमन नहीं है, दैट इज़ वाई इसका HCF होगा 1. जब भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा हम वहाँ HCF कर देंगे 1.
नेक्स्ट इवन नंबर्स, इवन नंबर्स हमने 2 और 4 ले लिए, 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 इज एन ऑड नंबर. सो एचसीएफ अगर हम निकाले 2 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 1 2 एंड 4 का हो जाएगा 2 2 4 2 1 2. तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस 2 एंड दिस 2 इज कॉमन, सो एचसीएफ इज 2. आफ्टर दैट ऑड नंबर्स 5 और 7 आर ऑड नंबर्स एंड कंटिन्यू ऑल्सो. यहाँ पे भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, दैट इज़ वाई एच सी एफ इज 1. अब आप इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 4 और 15 आर को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर जिनके बीच में जो फैक्टर्स होते हैं कॉमन फैक्टर्स वो ओनली 1 होते हैं. एच सी एफ ऑफ 2 और 4 और 15, 4 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 2 4 2 1 2, 15 का किया 3 5 15 5 1 5. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, 2 × 2 है एंड 3 × 5 है, कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट इज़ वाई एच सी एफ होना चाहिए 1. बट बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ पे 0 एच सी एफ होगा, अगर है तो ठीक है और अगर नहीं है तो राइट आंसर बताइए. तो एच सी एफ आप समझ सकते हैं कभी भी 0 नहीं होता है, एटलीस्ट 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो होता ही है, 1 तो सभी नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसलिए इसका एचसीएफ होगा 1. स्टूडेंट्स ये सभी वर्क आपको आपकी मैथ्स की नोटबुक पे करना है एंड कीप प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चन. ओके, थैंक यू.